पटना की सड़कों पर सहायक अभियंता पद के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीपीएससी के थ्रू इन्होंने 2019 में परीक्षा दी थी, जिसको लेकर आज तक इनकी बहाली नहीं हुई। अब नए तरीके से नए पैटर्न के तहत बहाली करने की बात बीपीएससी की ओर से की जा रही है, जिसको लेकर आज अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। पटना के विशेषज्ञ भवन के ठीक सामने सड़कों को जाम कर दिया गया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हुई है, नोकझोंक के दौरान जमकर बवाल भी हुआ। पुलिस ने किसी तरीके से समझा बुझाकर सड़क के किनारे उन लोगों को साइड कर दिया, लेकिन विरोध अब भी जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि हमारी नौकरी जब तक नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। वहीं अभ्यर्थियों ने नारा दिया है, किडनी ले लो और नौकरी दो। सर, हम लोगों का 2019 का वैकेंसी था, 2022 में एग्जाम लिया गया और रिजल्ट। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। जून में रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया और हम लोग फाइनली सिलेक्ट भी हो गए, डीबी भी हो गया। अब उल्टा इन्होंने बीच में ही रिजल्ट के इन्होंने रूल चेंज कर दिया और बैक 3 साल पहले से रूल अप्लाई कर दिया। सर, जहां हम लोग 4 साल 10 साल से पढ़ाई करते हुए स्ट्रगल करते हुए हम लोग जॉब लगी, जहां ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए था, वहां बैक डेट से इन्होंने रूल लागू कर दिया उल्टा। और कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स को इन्होंने इंक्लूड करने के लिए जहां कहीं भी इंडिया के किसी भी कोना में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों के रेगुलर वैकेंसी में वेटेज नहीं है सर। और हम लोगों का रिजल्ट, हम जॉब छोड़ के आए हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग अपना जॉब छोड़ के आए हैं, ना हम उधर करें ना इधर करें। गवर्नमेंट ऐसा ना कानून लाती है नवंबर 2022 में और उसे रेट्रोस्पेक्टिव जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल है, ऐसा कानून लाकर बैक डेट से लागू करके चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करके खास वर्ग को अंदर करना चाहती है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है हमें नहीं पता। हमारी मांग, हमारी ज्वाइनिंग जल्दी हो, 2019 की वैकेंसी है, 2022 में एग्जाम होता है, 2022 में ही हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन हमें ये कोर्ट में चला जाता है किसी खास वर्ग को फायदा देने के लिए और हमारी ज्वाइनिंग अभी तक अटकाई गई है। हम लोग सब बीपीएससी के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो देखिए, नारा ये दिया है कि किडनी दो और नौकरी, किडनी ले लो नौकरी दो, तो आप समझ सकते हैं ये विरोध कहां तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अब हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी इसी तरह विरोध करते रहेंगे। आपको बता दें कि पुलिस भी यहां पर पहुंची थी, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, अभी भी छात्र वहां पर डटे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे थोड़ा सा जाम भी रहा, उसके बाद पुलिस की टीम जब पहुंची तो जाम तो हटा दिया गया, लेकिन अहम मुद्दा ये है कि जो पैटर्न बदला गया है उसे लेकर छात्रों पर नाराजगी है और सीधे तौर पर कह रहे अभ्यर्थी कि आखिर हम करें तो क्या करें। अब उनका कहना है कि हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, नए पैटर्न की बहाली से फिर से नाराजगी है। एग्जाम पहले ही नहीं लिया गया तो उसके बाद फिर से पैटर्न में बदलाव हुआ है, इसे लेकर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आखिर अब हम करें तो क्या करें। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश सिन्हा फोन लाइन से जुड़ चुके। प्रकाश, जानना चाहेंगे क्या अभी भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि छात्रों का तो आप सीधे तौर पर कहना है कि देखिए अब हमारी मांगे सुननी होगी, नहीं तो हम यहां से नहीं जाएंगे। और आप सबसे बड़ी बात तो यह समझिए, जो स्लोगन दिया है यहां तक कह रहे हैं कि हमारी किडनी ले लो। जी अंजलि, ये बता दें कि आज पटना के विश्वेश्वरैया भवन के बाहर गेट पर जो है अभियंता के छात्रों ने जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग को भी उन्होंने जाम कर दिया, जिसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए जो है राजधानी पटना की जो नेहरू पथ है वो पूरी तरीके से जो है वो जाम हो चुकी और उसके बाद जो है वहां पर पुलिस पहुंची और सभी को जो छात्र हैं उनको समझा बुझाकर जो है वो उनको अलग कर सभी को जो जाम का जो लगी जो गाड़ियां थी उन लोगों को जाम को जो है उन्होंने चालू करवाया और वहां से छात्रों को समझाकर जो है साइड करवाया, क्योंकि छात्रों का जो मांग था वो साफ तौर पे उनकी मांग है कि मेरी किडनी ले लो और मुझे नौकरी दे दो। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी भी विरोध जताया जा रहा है। अब देखना ये होता है कि क्या कुछ आश्वासन मिलता है या नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।